किले नुमा दिखाई दे रहा है। प्रयागराज दिशा के यात्रियों के लिए, जो यात्री प्रयागराज दिशा से आ रहे हैं, और यात्री स्थल यहाँ वाराणसी, यात्री आश्रय गोरखपुर दिशा के यात्रियों के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वतंत्र शुभम में, और हम हैं शुभम कुमार। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे ये जो किले नुमा दिखाई दे रहा है, साथ में टेंपल जैसा भी प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये वास्तव में टेंपल नहीं, एक रेलवे स्टेशन है। बल्कि इसकी सुंदरता भव्यता देखा जाए तो किसी एयरपोर्ट के से कम नहीं है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जो कि पहले अयोध्या जंक्शन हुआ करता था, अब परिवर्तित नाम अयोध्या धाम जंक्शन हो गया है। दूर से देखने में और रात के लाइटों में इतना ये भव्यता प्रकाशमान हो रहा है कि जैसे एक अलग ही प्रज्वलनता इसमें दिखाई दे रही है। हम हैं अयोध्या में, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नज़दीक ही जो रेलवे स्टेशन है अयोध्या धाम जंक्शन। इस अयोध्या धाम जंक्शन 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, उससे पहले जंक्शन पूरी तरीके से आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनकर तैयार हो गया है। पहले आप लोग देखे रहे होंगे बहुत छोटा सा ये जंक्शन हुआ करता था। लोग कहते हैं कि क्या मंदिर बनने से विकास हो जाएगा, तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए विकास किसको कहते हैं। मंदिर बनने से यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा हो गया, उसके बाद रोडों का चौड़ीकरण हुआ। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बन जाता, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि ज़रूर हॉस्पिटल बनना चाहिए, लेकिन मंदिर के ही जगह पे क्यों, मंदिर के जगह पे मंदिर बने। और भारत इतना बड़ा भूभाग है, कहीं भी आप हॉस्पिटल बना सकते हैं, लेकिन मंदिर के जगह पर क्यों, मंदिर के जगह पे मंदिर ही बना। जैसे सनातन धर्म ने, सनातन को मानने वाले ने, सनातन के अनुयायियों ने मंदिर बनवा दिया। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने वक्तव्यों से कहा है कि गवर्नमेंट का एक भी रुपया मंदिर बनाने में नहीं लगा है, और सभी सनातन प्रेमियों ने मंदिर को बनवाया है, तथा उसके मंदिर प्रांगण के बाहर का जो विकास है उसको गवर्नमेंट ने करवाया है, उसको राज्य सरकार ने करवाया है। तो आइए हम थोड़ा सा इसके अंदर क्या है उसको देखते हैं। रेलवे स्टेशन बिल्कुल एकदम किस तरीके से भव्यता में अपने दिखाई पड़ रहा है। मैं करीब 3 साल पहले आया हुआ था, तो इस प्रकार का रेलवे स्टेशन नहीं था। ये आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि अंदर का कैसा व्यू है, बैठने की क्या सिटिंग अरेंजमेंट है, इसको देखते हैं। अभी रात के 12:15 बज रहे हैं, थोड़ा सा अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ से आप देखिए चारों तरफ से क्या एक तरीके का किला नुमा कहा जाए तो, मैं इसके पहले लखनऊ विधान भवन की बिल्डिंगों को देखा था, तो इस तरीके की सुंदरता वहाँ लग रही थी। अब यहाँ देखिए यह अयोध्या धाम जंक्शन, इधर चारों तरफ हमारे सिक्योरिटी के जवान, यूपी पुलिस के जवान हमारे सुरक्षा में लगे हुए हैं। यह गेट नंबर 5 से मैं भी एंट्री कर रहा हूँ। आगे यहाँ सिक्योरिटी भी मौजूद है, यूपी पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, मुस्तैद के साथ अपने ड्यूटी कर रहे हैं। और यात्री स्थल यहाँ वाराणसी, ये जो बहुत बड़ा बना हुआ है ज़्यादा सीटों वाला, यात्री आश्रय वाराणसी दिशा के यात्रियों के लिए, जो यात्री वाराणसी से आ रहे हैं उनके ठहरने के लिए यहाँ व्यवस्था बनाया गया है, जिसमें देखिए
पुरजा तरीके से इतना बड़ा हाल है और इस हाल में लोगों के ठहरने के लिए तथा कुछ फोल्डिंगें रखी हुई हैं, अगर यात्रियों की अधिकता हो जाती है तो आकर के यहाँ से उसको अरेंज किया जाएगा। इसमें टॉयलेट भी लगा हुआ है, पेयजल की भी उत्तम व्यवस्था है, यहाँ बुकिंग काउंटर भी है। और आगे के यात्रा स्थलों को दिखाते, यात्रा स्थल के पास में ही एक डिस्प्ले लगा हुआ है जहाँ पे ट्रेन के आने और जाने की सूचना यहाँ से प्राप्त हो सकती है। और आगे के यात्रा स्थलों को देखते हैं। यात्री आश्रय एक हमको और दिखाई दिया जो बहुत ज़्यादा क्षमता का लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है। इसमें यात्री आश्रय गोरखपुर दिशा के यात्रियों के लिए, जो यात्री गोरखपुर से आ रहे हैं उनके लिए इधर आसपास के यात्रियों के लिए क्रमवार व्यवस्था बनाई गई। इसमें देखिए बहुत हम नहीं जाते हैं लोगों की अंदर से, हम आपको नहीं दिखाते हैं, बाहर से ही देख लीजिए क्योंकि रात का समय लोग सो रहे हैं, अच्छा नहीं समझेंगे, इसलिए आपको और दिखाते हैं। यहाँ एक और यात्री स्थल लखनऊ दिशा के यात्रियों के लिए, जो यात्री लखनऊ से आ रहे हैं उनके लिए यहाँ रात की ठहरने की व्यवस्था है। बस यहीं तक। देख सकते हैं यहाँ से पूरी तरीके से एक अमृत एक्सप्रेस जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है।